हजरत शेख रोज बहान बकली शिराज के एक बड़े कामिल वलीउल्लाह आरिफ थे और मुफस्सिर भी आलिम भी थे, साहिब तफसीर हैं। तफसीर रोज बहान बकली कहलाती है, अरायस उल बयान, बड़े आरिफ थे। वो हदीस पढ़ाते थे और खामोशी से बड़े बड़े मुहद्दिसीन अपनी असानीद हदीस की दुरुस्त करने के लिए उनकी बारगाह में आते, बड़े बड़े अकाबिर मुहद्दिस। शेख रोजबहान बकली सूफी वलीउल्लाह आशिक वलीउल्लाह आरिफ थे, साहिब नूर थे। खामोशी से बैठे रहते, वो हदीस तुलबा मुहद्दिस होते, पढ़ते आप सिमा करते, आप चुप रहते तो समझते वो कि हदीस सही है, चुप रहते तो समझते सनद सही है। जिस हदीस पर सर उठाते और इस तरह कर देते वो समझते कि नहीं इसकी सनद सही नहीं। तो ऐसे हुआ कि मुहद्दिसीन तुलबा ने हदीस पढ़ी, आपने सर उठा के इस तरह कर दिए। उन्होंने कहा हजरत ये तो इसकी सारे असानीद में तमाम रिजाल सिका है और सनद मजबूत है, हदीस मकबूल है, फलां 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 मुहद्दिसीन ने अस्माउ रिजाल में फन रिजाल की किताबों में जरा करके इसकी तसीह की, तौसीख की, इसकी सनद को कबूल और मजबूत सिका कहा है। उन्होंने मुहद्दिसाना दलायल दिए, आप सुन के मुस्कराते रहे। फरमाया कि आपकी बात खत्म हो गई, खत्म हो गई। आपने फरमाया तुम अभी सनद में हो, तुम्हारी सारी बहस सनद तक है, सनद से आगे नहीं गए। मैं तुम्हारी सनद की बहस सुनूं या साहिब सनद का फरमान सुनूं? उन्ज़र हाज़ा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकुल मा कुल्तु हाज़ा, पर्दा उठाओ, ये मुस्तफा सामने है, फरमा रहे हैं उस्मान मैंने ये नहीं कहा।